अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम और एसपी में से किसके पास ज्यादा पावर होती है, तो आपका आंसर शायद डीएम होगा। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो आईएएस ऑफिसर्स का करियर एसडीएम से स्टार्ट होकर डीएम, सब डिविजनल ऑफिसर, सेक्रेटरीज के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकता है। वहीं आईपीएस ऑफिसर्स एएसपी से स्टार्ट करके एसपी, डीआईजी, आईजी के बाद डीजीपी रैंक तक पहुंच सकते हैं। आईपीएस एक यूनिफॉर्म सर्विस है जो इसे आईएएस से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। एक आईपीएस ऑफिसर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। वहीं एक आईएएस ऑफिसर को ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकाउंटेबल माना जाता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। इमरजेंसी सिचुएशंस में सेक्शन 144 इंपोज करने की अथॉरिटी सिर्फ डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही होती है, और आईपीएस ऑफिसर केवल इन ऑर्डर्स के एबल इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कौन सी सर्विस चूज करेंगे, आईएएस या आईपीएस?